एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से 4 इजी सेल्फ 1 ईयर सेल्फ। तो बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ, वेडिंग में भी आप इन सभी को ट्राई कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसमें मेरी कपड़ों से रिलेटेड कटिंग स्टिचिंग की वीडियो जाती रहती है। ब्लाउज भी मैंने खुद से बनाया है, अगर आपको सीखना है जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस टाइप का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी और व्लॉग वीडियोज भी आपको मेरे उस चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ से कॉम करना है। अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करके सिंपली टाइटली एकदम ट्विस्ट करना है, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। इस तरीके से ट्विस्ट करके आपको लेना है यू पिन, और जो आपने ट्विस्टिंग की है उसके अंदर से इस तरीके से फंसाते हुए इसको यू पिन को लगा देना है। इसमें आपको रबड़ बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपका जो हेयर स्टाइल है वो बन के रेडी हो जाएगा। ओके, अगर एक यू पिन से टाइट नहीं हो रहा तो आप 2-3 लगा लीजिएगा। उसके बाद जो ये हेयर है इसको थोड़ा सा लूज करेंगे। और सिंपली इस तरीके से लेके आएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। और जो हमारा हेयर स्टाइल बन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये है ना बहुत ही इजी सा सेल्फ बन हेयर स्टाइल, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं। और अच्छी बात है कि ये मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, मीडियम लेंथ है, और बहुत ज़्यादा घने भी नहीं है, उसमें भी आप ये ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, सिंपल है, ईजी है, एवरी डे में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वेडिंग या पार्टी में इसको ट्राई करना है तो आप गजरा के साथ इसको कम्प्लीट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगे जैसे यहाँ पे, तो आप इसको यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। साइड से लेयर अगर आपने कट कर रखे हैं, मैंने कट कर रखे हैं तो मेरे ऑटोमेटिकली निकल जा रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है आपको निकालना है कि नहीं निकालना है। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल जो है वो हम लोग बैक पिन से बनाएंगे। तो सबसे पहले सारे बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है और एक बैक पिन लेनी है जो कि आपके बालों में अच्छे से टाइटली लग जाए। इस तरीके से टाइटली बैक पिन को लगाना है और ऐसे कर देना। अभी बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट्स को लेना है, देन अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, और आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करके आपको क्लिप के दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से लेके जाना है जैसे मैं कर रही हूँ, और एंड में आपको एक यू पिन से इसको सिक्योर कर देना। सेम दूसरी साइड के हेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपस में कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। साड़ी के लिए चारों हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो आप साड़ी अगर पहनते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। अच्छे से यू पिन 2-3 लगा लीजिएगा ताकि
अगर छोटे बाल है मेरी तरह तो निकल ना जाए कहीं पे। दिस इज द फाइनल लुक। क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा थोड़ा खींचेंगे जिससे कि बहुत फ्लैट लुक ना दिखे। तो बैक से कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है एंड फ्रंट से मेरे हेयर कटे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली बीच की मांग निकल गई। बाकी आपकी मर्जी, आपको मांग निकालनी है तो ठीक, नहीं निकालनी तो आप इस तरीके से छोड़ सकते हो। अगर लंबे बाल होंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाले। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। जो थर्ड हेयर स्टाइल है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे छोटे से डोनट बन की मदद से। मैंने दो 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 डोनट बन लिया था, तो ये बड़ा वाला है लंबे वालों के लिए एंड ये है छोटा वाला छोटे वालों के लिए। तो मेरा छोटा हेयर है तो मैं छोटा वाला यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इस हेयर स्टाइल में क्या करना है, आपको करना है सारे बालों को एक साथ पोनी बना लेनी है। एक अच्छे से कॉम करेंगे एंड एक पोनी बनाएंगे। ओके, पोनी बना के डोनट बन को जस्ट पोनी के ऊपर रखना है एंड यू पिन से सिक्योर कर देना है। अच्छे से यू पिन को लगा लेना है। उसके बाद अपने हेयर को अच्छे से ऊपर की तरफ कॉम करेंगे। जैसे कि हमारे बाल बहुत शॉर्ट हैं तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब सारे हेयर को अच्छे से ऊपर की तरफ फॉर्म करेंगे। और डोनट बन के चारों तरफ फैला लेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में एक रबर बैंड लेना है और बिल्कुल यहाँ पे लगा देना है। अंदर की तरफ हेयर को करेंगे। अब गेंद दुबे डोनट बन को हाइड करते हुए यू पिन को यहाँ पे लगा देंगे। ओके, अब क्या करना है, इसके बाद आपको जो आपने नीचे के है, दो हेयर लेयर छोड़े हुए थे इनको आपस में ट्विस्ट करेंगे और इस तरीके से डोनट बन के चारों तरफ से लपेटते हुए यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ये वाला हेयर स्टाइल भी जो है वो बहुत इजी है और आपके साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। साड़ी के लिए चार इजी सेल्फ बन हेयर स्टाइल बता रही हूँ। इसको भी आप थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो और वेडिंग वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो, पार्टी वेडिंग के लिए। तो ये हमारा हो गया थर्ड हेयर स्टाइल। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में अच्छे से आगे से कॉम करेंगे बालों को। कॉम करके कुछ इस तरीके से लेंगे और एक छोटा सा पफ क्रिएट करेंगे। पफ बनाने के लिए आपको इस तरीके से थोड़े थोड़े से हेयर को लेने हैं एंड थोड़ा सा ट्विस्ट करना है आगे की तरफ पुल करके। इजीली आप पफ को बना सकते हो। पफ को होल्ड करने के लिए मैं टिक टेक क्लिप का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो बॉबी क्लिप या फिर जो भी आपके पास है उससे आप कर सकते हो। छोटा वाला क्लचर भी यूज कर सकते हो। तो अच्छे से क्लिप को सेट कर लेते हैं पफ को। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे बालों को अच्छा सा कॉम करना है।
फॉर्म करके रबर बैंड लगाएंगे। अब रबड़ बैंड लगाने के बाद से हमारा जो क्लिप है वो दर्द हो रहा है बाल हमारा, तो थोड़ा सा इस तरीके से खींच देंगे जिससे कि ये लूज हो जाए। पोनी तेल को थोड़ा सा लूज करेंगे, एक होल करेंगे पोनी तेल के बीचों बीच। ओके, और सारे हेयर को इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे एक डोनट बंद रखना है एंड यू पिन की मदद से सिक्योर कर लेना है। अब बालों को ऊपर की तरफ से फॉर्म करेंगे और डोनट बन के चारों तरफ से ऐसे लेके जाएंगे। ओके, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डोनट बन को कवर करेंगे एंड ऊपर में एक रबड़ बैंड लगा देंगे। अब जो हेयर निकल रहा है उसका क्या करना है वो भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए जिससे कि कुछ समझ में ना आए। अब ये हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। अब जो ये हेयर निकल रहे हैं इनको आप सेंटर में ही यू पिन से सिक्योर कर दीजिए और जो भी हेयर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करके यू पिन लगा दीजिए। और कई बार क्या होता है, हम लोग अगर टिक टेक क्लिप वगैरह यूज करते हैं तो हमको अनकंफर्टेबल होता है, तो आप बाद में हेयर स्टाइल बनाने के बाद टिक टॉक क्लिप को अच्छे से रिमूव करके देखिए। अब मेरा सही हो गया ये और हेयर स्टाइल भी त्यो का त्यो है। आप इसमें चाहो तो टिक टॉक क्लिप दोबारा से ऐड कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो आप सेटिंग स्प्रे मार के ऐसे ही छोड़ दोगे, बट सेटिंग स्प्रे हमेशा बालों को नहीं लगाना चाहिए, तो एक बार आप अपने हिसाब से टिक टॉक क्लिप से ही या फिर बॉबी क्लिप से सिक्योर कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया और काफ़ी अच्छा है, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल। वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ये आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।